Hello everyone, myself Rao Kumar Pandey. Welcome to our YouTube channel Jio Foundation. Dear student, in the previous session we have discussed about the Jios of a polynomial. Jios of a polynomial, the point at which value of polynomial becomes zero is called Jios of a polynomial. Dear student, today in this session we are going to discuss about the continuation of geometrical meaning of zeros of a polynomial. So dear student, I have studied zeros of a polynomial. So for your sake of simplicity or for your sake of knowledge, I want to tell you method of finding zeros of a polynomial. तो मेरे प्यार बच्चों, एक polynomial की zeros हम कैसे find करते हैं? तो you have studied in previous standard. और आप लोगों को वहां पे जानना होगा कि हम लोग जो है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से जीरोज को फाइंड करते हैं. किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज अगर हमें फाइंड करना है तो वी कैन यूज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. ठीक है बच्चों, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के थ्रू आप जो है जीरोज निकाल सकते हैं. मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपने प्रीवियस सेशन में पढ़ चुका है, लेकिन अगर फिर भी इस पे डाउट पेरिस वगैरह होगा तो मैं एक इस पे वीडियो बना दूंगा, आप जो है उनको देख लीजिएगा. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भेज दूंगा. ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग तो पॉलिनोमियल्स के बारे में बहुत पढ़ते हैं और जीरोस के बारे में हम लोग आमतौर पर जान भी जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग से या हम लोग की आंखों से जो बचा हुआ रहता है, जिसको हम कह सकते हैं कि सेक्रेट एक तरह का होता है. तो जीरोज का सेक्रेट क्या है? वैसे ये जो चीजें मैंने यहाँ पे बताने जो जा रहा हूँ वो बहुत ही आम चीजें हैं. ठीक है, ये शायद आपको पता भी होगा लेकिन ध्यान में नहीं रहता. तो आज मैं जीरोज और पॉलिनोमियल का सेक्रेट डिस्क्लोज कर रहा हूँ. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, एंड आई वांट टू टेल वंस अगेन, प्लीज सिट इन फ्रंट ऑफ द वीडियो विथ योर पेन एंड पेपर. ओके, सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन हियर, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरोज. ठीक है, मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था बच्चे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो है कोई भी जीरो नहीं होता. कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी जीरोज नहीं होता. ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब हुआ जस्ट लाइक अ रियल नंबर. ठीक है, तो उनकी कोई भी जीरोज नहीं होगी. नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो. मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल के पास जो है एक और मात्र एक ही जीरो होते हैं. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जीरो मे और मे नॉट बी द जीरो ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल. मीन्स जीरो जो है किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ये कोई नेसेसरी नहीं है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो जो है वो जीरो ही हो. ये कोई नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस. एक पॉलिनोमियल के पास जो है आपके रिपीटेड जीरोस हो सकते हैं. रिपीटेड जीरोस का मतलब क्या हो बच्चे, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन. मैं इसका जो है वो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ठीक है, मैं इसको एरो करके लिख देता हूँ. तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो मेरे प्यारे बच्चों हम जो है इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वन. अब इसकी हमें जीरोस निकालने हैं बच्चे, तो हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर देंगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कर देंगे. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि हम जो है इनको टू टाइम्स लिख सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू जो है वो वन और वन ही आएगी. तो यहां पे जो है दोनों दो जीरोस निकले हैं और दोनों जीरो जो है वो इक्वल है, रिपीटेड है. ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड्स इट्स डिग्री. किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा बच्चे, वो अपने डिग्री से बड़ा नहीं होगा, अपने डिग्री से बड़ा नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री बच्चे थ्री होती है, राइट? तो उसका जीरोस भी जो है वो थ्री ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. दैट मीन्स एटमोस्ट अगर बोला जाए तो डिग्री के ही इक्वल होगा, डिग्री से कम हो सकता है, डिग्री से कम हो सकते हैं, लेकिन डिग्री के ही इक्वल होगा, डिग्री से बड़ा नहीं होगा. ओके, सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन
tell me in the comment box, and you can ask questions in the comment box. Okay, now we come to the most awaited topic of the polynomials of the standard 10, that is geometrical meaning of the zeros of polynomials. मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक्स में जो है हम लोग ये पढ़ेंगे कि zeros of polynomial का जो है geometrical meaning क्या होगा, zeros of polynomial का geometrical meaning क्या होगा. तो मेरे प्यारे बच्चों, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल की जो है वो दो तरह की मीनिंग होती है. मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, दो तरह की मीनिंग होती है. एक होती है बच्चे अलजेब्रिक मीनिंग, और एक है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग. अलजेब्रिक मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग. अभी तक जो हम चर्चा किए बच्चे, ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है या जो डिग्री के बारे में हम लोगों ने बात किया, ये सब सारे जो स्टोरी है, वट एवर द स्टोरी बिहाइंड ऑफ इट आई हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, दिस ऑल हर बिलोंग्स टू अलजेब्रिक मीनिंग. मींस अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीनोमियल के जीरोस का, तो वो जो मीनिंग हमें बता रहा था वो अलजेब्रिक मीनिंग बता रहा था. लेकिन बच्चे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग. तो मेरे प्यारे बच्चों, टू अंडरस्टैंड अबाउट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए पॉलीनोमियल, वी हैव टू रिप्रेजेंट द ग्राफ. We have to represent the graph. क्योंकि बच्चे geometrical का मतलब है geometry से related, और geometry से related का मतलब हुआ कि आपको जो है एक graph paper जो है graph को आपको plot करना पड़ेगा. और graph जो plot होते हैं बच्चे, वो point के help से होते हैं, point के help से होते हैं. और मेरे प्यारे बच्चों, coordinate geometry में points के बारे में आपने पढ़ा होगा, और वहां से आप जानते होंगे कि किसी भी पॉइंट को अगर हम लिखते हैं तो वो हम उसमें हम एक्स और वाई एक्सिस दोनों के बारे में लिखते हैं. किसी भी पॉइंट को जब हम लिखते हैं तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों के बारे में लिखते हैं. मीन्स एक्स पे कितना कटा है और वाई पे कितना कटा है, ये हम लोग लिखते हैं. एंड जो ऑर्डर होता है वो एक्स आफ्टर वाई होता है. ठीक है, तो बच्चे ज्योमेट्रिकल मीनिंग. तो चलिए हम लोग आते हैं. मैंने बच्चों बुक्स में अलग अलग तरह से है, कई सारे ऑथर लोग जो अलग तरह से बताते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो बच्चों एक नए तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, और आपको बिल्कुल इसका ये जो मीनिंग है और ये जो मैंने जो तैयार किया है टेबल, आपको बिल्कुल रिमेम्बर हो जाएगा. ठीक है बच्चे, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल कूल तरीके से पढ़ेंगे. तो इसपे जो पहला आता है बच्चे, मैंने देखो यहाँ पे टेबल तैयार किया है, टेबल की मदद से समझना आसान होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चार कॉलम बनाए हैं, एक है पॉलीनोमियल की, दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म की, तीसरी ग्राफ की, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल. ये जो बताएगा वो किसी पॉलीनोमियल की मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, एटमोस्ट अधिक से अधिक कितना होगा. तो इसमें तीन मैंने यहाँ पे लिखे हैं बच्चे. पहला है लीनियर पॉलीनोमियल. लीनियर पॉलीनोमियल में देखो आप, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है. तो इसकी डिग्री कितने हैं बच्चे, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल तो कितने हैं यहाँ पे, वन है. तो डिग्री इसके वन है, और यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ रहता है कि ये नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो इसके जो ग्राफ होंगे बच्चे, इसके जो ग्राफ होंगे वो लीनियर ग्राफ होंगे, या लाइन ग्राफ आपको मिलेंगे, या फिर स्ट्रेट लाइन होंगे. ग्राफ में हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखते हैं, तो लीनियर ग्राफ में क्या होता है बच्चे, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो लाइन जो रिप्रेजेंट होगा वो लाइक दैट होगा ना, इस तरह से हम लोग लाइन रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखो बच्चे, अगर हम लाइन को रिप्रेजेंट किए हैं, मीन्स पॉइंट को प्लॉट करने के बाद, ग्राफ में पॉइंट को प्लॉट करने के बाद आपका जो लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन जो बनेगा, वो जो है हम देखते क्या है कि एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है ना, सिचुएशन के आधार पे. तो एक्स एक्सिस को कट करे, वाई एक्सिस को कट करे. तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होगा कि आपको ग्राफ के थ्रू बताना होगा कि इसके कितने जीरोज हैं. दैट मींस आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसके कितने जीरोज हैं, या मे बी ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाँ, अगर वहां पर स्केलिंग किए हुए ग्राफ में तो बोलेगा कि हाँ, इसके कौन कौन से जीरोज हैं. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं. लेकिन जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, अभी जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, वो आपका ग्राफ प्लॉट किए रहेगा क्वेश्चन में, और आपसे पूछेगा कि कितने जीरोज हैं. ठीक है, तो बच्चों अब इसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे आ जाए. मैंने आप लिखे हुए हैं, द जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल इज द जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. मींस कोई पॉइंट है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही आपका जीरोज होगा किसी पॉलीनोमियल की. ठीक है, वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, और x कोऑर्डिनेट्स वही वाला जहां जो
एक्स कोऑर्डिनेट्स वही वाला जो ग्राफ को एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स देखो अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जिस वैल्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही इसकी जीरोज हो जाएगी। किसकी? इस पॉलीनोमियल की जो है वही जीरोज हो जाएगी। और कितने जीरोज होंगे? तो वन होंगे। तो मैक्सिमम नंबर जीरोज कितना हो गया इसका? वन हो गया। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का बच्चे यहाँ पे देखो स्टैंड फॉर्म ये है और डिग्री कितना इसका? टू है। तो बच्चे इसका जो ग्राफ होता है वो क्वाड्रेटिक कर्व, या हम लोग क्वाड्रेटिक कर्व को जो है वो पैराबोला कहते हैं। ठीक है, पैराबोला। तो पैराबोला जो है बच्चे वो दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन अपवर्ड और एक होता है ओपन डाउनवर्ड। एक होता है ओपन अपवर्ड और एक होता है ओपन डाउनवर्ड। ओपन अपवर्ड तब होगा जब ए की वैल्यू जीरो से बड़ा होगी, दैट मीन्स ए ग्रेटर देन जीरो अगर होंगे तो आपका ओपन अपवर्ड बनेगा। ओपन अपवर्ड का मतलब देखो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जस्ट लाइक दैट। ठीक है, इस टाइप का। मैं अभी ग्राफ पे नहीं आ रहा हूं, लेकिन इस टाइप का। ओपन डाउनवर्ड का मतलब हुआ जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो ये ओपन डाउनवर्ड का है और ये ओपन अपवर्ड का है। ठीक है, ओपन अपवर्ड कब होगा? जब ए की वैल्यू जीरो से बड़ा होगी, और जब ए की वैल्यू जीरो से छोटा होगी तब आपके ग्राफ जो होंगे वो प्लॉट इस टाइप का होंगे। किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए। और जो मैक्सिमम जीरोज होगा बच्चे वो दो होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या कि ये जो दोनों आपके ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के केस में जो है वो टू टाइम्स कट करेंगे। एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट करेंगे? टू टाइम्स कट करेंगे, क्योंकि सभी तो एक्स कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट्स हमें क्या बताएगा? जीरोज बताएगा। और जीरोज वही होगा जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ में। एक्स एक्सिस को जो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा जीरोज होगा। ठीक है, तो बच्चे अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं, इसका थोड़ा डिटेल्स में जान लो। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, फटाफट से मैं इरेज कर देता हूँ और इसको हम लोग समझते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे थ्री केस बनेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड केस थर्ड। ठीक है, मेरे ख्याल से जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में जो हम लोग को थ्री कंडीशंस मिलते हैं, थ्री कंडीशंस ये मिलते हैं जीरोज वाले केसेस में, उसकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उस वाले केसेस में, कि हो सकता है कि हमें तो दो जीरोज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम जो जीरोज मिलेगा वो तो आपके दो ही मिलेंगे। तो मैक्सिमम जीरोज आपके दो मिलेंगे, तो इसमें जो पहला केस बनता है कि टू जीरोज आर डिस्टिंक्ट, मीन्स डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट है फिर यहां पे टू जीरोज आर इक्वल और केस। और ऐसा हो सकता है नो जीरोज, ऐसा भी हो सकता है नो जीरोज। मैंने ये कहा था बच्चे कि डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है जीरोज, मीन्स डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। डिग्री अगर टू है तो उससे ज्यादा जीरोज किसी का नहीं होगा, लेकिन उससे कम हो सकता है। तो बच्चे यहाँ पे जो ग्राफ इसका बनेगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। जैसे देखिए अगर अपवर्ड है डाउनवर्ड है जिस टाइप का वे है, तो ग्राफ आपका जो है वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने टाइम्स इसको कट कर रहे हैं? टू टाइम्स कट कर रहे हैं। कितने जीरोज हो गए? दो जीरोज हो गए। ठीक है, इसके कितने जीरोज होंगे? टू जीरोज होंगे। और जो दोनों जीरोज होगा वो डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर जो है अगर आपके ग्राफ कुछ इस टाइप का रहेगा, अगर आपके ग्राफ कुछ इस टाइप का रहेगा, ठीक है, बिल्कुल इसको टच करके गया है, अगर आपके ग्राफ जो है बिल्कुल इसको टच करके गया, तो टच करने वाले केसेस में जो है आपको इक्वल जीरोस का केस मिलेगा। ठीक है, और ये वाले केस में जो थर्ड वाला केस होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, मीन्स एक एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, ना टच करेगा, ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। जब इंटरसेक्ट करेंगे दो पॉइंट पे तो टू डिस्टिंक्ट जीरोज हो जाएंगे, अगर टच करेंगे तो टू इक्वल जीरोज हो जाएंगे, और अगर इंटरसेक्ट से टच नहीं करेंगे तो नो जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चे क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल बच्चे आपके इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स क्यूब प्लस बीएक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज नॉट वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और बच्चे यहाँ पे डिग्री कितने हैं? थ्री है, तो इसके जो जीरोज हो जाएंगे वो कितने जीरोज हो जाएंगे? मैक्सिमम जीरोज थ्री होंगे, राइट?
मैक्सिमम जीरोस विल बी 3 ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। और इसके जो ग्राफ होते हैं बच्चों वो क्यूबिक कर्व्स होते हैं, इसका कोई स्पेशल मीनिंग या स्पेशल नेम नहीं है, तो इनको हम लोग क्यूबिक कर्व्स ही बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। और इसको जो डिग्री होंगे, डिग्री कितने हैं 3 है, तो जीरोस कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब बच्चों मैं एक दो आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखा देता हूं कि किस टाइप का होता है क्यूबिक वाला, ताकि आप जो है चीजों को समझ पाए, जब क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पे समझ पाइएगा, ठीक है। तो क्यूबिक वाला जो होगा वो इस टाइप का होगा, जैसे देखिए मैं इस टाइप का देखो दिखा देता हूं। तो देखो कितने टाइम्स एक्स एक्स को कट किया है, 3 टाइम्स कट किया है, तो इसके कितने जीरो जाएंगे, 3 जीरो होंगे और तीनों का जीरो डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। ये वाले केस में देखो आप इस टाइप का बनेगा, ठीक है, इस टाइप का। तो देखो यहाँ पे टच करके गया है, तो इसके कितने जीरो, इसके भी 3 जीरो होंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये सब जो आपके ग्राफ है, ये सब जो ग्राफ है वो क्यूबिक वाले है, ये सब ग्राफ है क्यूबिक वाले, और ये सब ग्राफ है क्वाड्रेटिक वाले, ठीक है, क्वाड्रेटिक वाले। और इन दोनों कहते हैं पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, मैंने अपवर्ड का ही बनाया है, आप लोग ये कर लीजिएगा डाउनवर्ड का, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल, ठीक है। अब हम बच्चों डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग के पास टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल। इस टॉपिक में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग के पास जीरोस हैं किसी पॉलीनोमियल के, और इसके जो कोएफिशिएंट हैं पॉलीनोमियल के, जो कोएफिशिएंट हैं उनके बीच में क्या रिलेशंस है, ओके, उनके बीच में क्या रिलेशंस है, हम लोग ये जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहला जो है बच्चे हम लोग बेसिकली यहाँ पे 3 पॉलीनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो लीनियर है, सेकेंड है क्वाड्रेटिक एंड थर्ड क्यूबिक है, ओके। तो यहाँ पे पहला जो लीनियर पॉलीनोमियल है उसमें आपका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो ये है px equals to x plus b where l not equals to 0। तो बच्चे मैंने मान लिया कि अल्फा कोई वैसा जीरो जीरोज है इस पॉलीनोमियल px का, ठीक है। तो जब ये जीरोज है, यानी कहने का मतलब क्या कि जब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पे जीरो मैंने लिखा। और इनका फैक्टर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जीरो जो निकालते हैं वो फैक्टर के थ्रू निकालते हैं, मेथड फैक्टराइजेशन से। तो इनके फैक्टर कितने हो जाएंगे, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो। तो बच्चे ये जीरोज है, और ये देखो ये आपका x का कोएफिशिएंट है और ये आपका कॉन्स्टेंट है, तो ये देखो इनके बीच में रिलेशन है। तो लीनियर वाले केस में जो है एक ही जीरोज मिलेगा, तो एक जीरोज के लिए जो यहाँ पे रिलेशन मिलेगा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, इसके बीच में जीरो जो रिलेशन मिला अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, बट इट नाउ नेक्स्ट है बच्चे फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए बच्चे हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है देखो ये वाला है। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी, और ये है कॉन्स्टेंट है। तो इसमें आपके कितने जीरो मिलेंगे क्वाड्रेटिक वाले में, 2, कितने जीरो, 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि अल्फा और बीटा जो है कोई 2 जीरोज है इस पॉलीनोमियल px का, ठीक है। तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं इनके फैक्टर के रूप में कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या होगा, px का फैक्टर होगा। और जब px का फैक्टर होगा इसका मतलब क्या होगा कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा। तो देखो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं कि कोई हमें कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगा, साथ ही जो है हम इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये दोनों वैल्यू होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनकी वैल्यू आएगी द रिजल्ट विल बी सेम फॉर द प्रोडक्ट ऑफ इट। तो बच्चे यहाँ पे मैंने देखा इसको लिखा हुआ, ठीक है। तो बच्चे जब हम लोग के पास कंक्लूजन मिला, जब हमने इसको इक्वेट की, इक्वेट करने के बाद हम लोग को मिला क्या कि के इक्वल्स टू ए मिला, दैट मींस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो इक्वेट करें तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे k है और यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, तो k इक्वल्स टू a हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहां पे x के कोएफिशिएंट यहां पे अल्फा प्लस बीटा इनटू k है और यहां पे b है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आएगा माइनस b बाई k और k की वैल्यू है a, तो यहां पे माइनस b बाई a। और इसको बिल्कुल रिमेंबर रखिएगा बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ओके, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिला जिनको हम कहते हैं सम ऑफ द जीरोज।
सेकेंड दोनों के पास रिलेशन मिल रहा है वो है जो जीरोज है उनके प्रोडक्ट का। देखो अल्फा बीटा जीरोज है, यहाँ पे सम मिला, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट मिला, तो प्रोडक्ट का हमें मिल गया सी बाई के और के की वैल्यू है ए, तो यहाँ पे सी बाई ए, इनको भी आप बिल्कुल याद रखोगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू जो है वो सी बाई ए होगा। और इसको हम लोग कहते हैं ये भी आपका रिलेशन है और इनको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिलेशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। नाउ भी क्रम बता दिया स्टूडेंट फॉर ए क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल की जो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा है वो देखो ये वाला है, इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट सी है और ये कॉन्स्टेंट डी है। तो यहाँ पे आपके कितने जीरोज इसके मिल जाएंगे, क्यूबिक पॉलीनोमियल के कितने जीरोज, मैक्सिमम थ्री, तो थ्री जीरोज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा एंड गामा जो है इसके थ्री जीरोज हैं px के, ठीक है, तो हम इनको फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा, ये सब क्या हो गए फैक्टर हो गए px के। तब जो है बच्चों हम लिख सकते हैं, अब देखो मैं यहाँ पे इस स्टेप को जो है ये वाले स्टेप को मैंने क्या किया स्किप किया है, ध्यान से देखोगे मैंने ये वाले स्टेप को यहाँ से स्किप कर दिया, ये वाला काम जो है वो आपको खुद पे घर पे करना है और घर पे करना करने के बाद आपको ये लेकर के आना है कि आपकी वैल्यू आती है कि नहीं, बिल्कुल आएगी बच्चे, तो आपको घर पे जो है वो करोगे। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि ये जो प्रोसीजर्स है मैंने यहाँ पर स्किप किया है, तो आप घर पे जाकर के घर पे करोगे, ठीक है, अपने कॉपी में, और मुझे बताओगे अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो फिर जो है मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। बट इट चलो तो यहाँ पे बच्चे जब आप इक्वेट करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इसको इक्वेट करोगे, ठीक है, घर पे जरूर से कीजिएगा, तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए, एंड थर्ड रिलेशन मिलेंगे अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो देखो बच्चे लीनियर पॉलीनोमियल के लिए एक जीरो तो एक रिलेशन, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए दो जीरो तो दो रिलेशन, सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ठीक है, क्यूबिक पॉलीनोमियल के लिए थ्री जीरोज होते हैं तो थ्री रिलेशन, कौन कौन, तो सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वन एट ए टाइम, सॉरी टू एट ए टाइम, टू एट ए टाइम, ठीक है, मीन्स एक बार में जो है वो दो दो को लेना है, तो टू एट ए टाइम, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए, तो थ्री रिलेशन मिले, पहला रिलेशन ये मिला, थर्ड सेकंड रिलेशन ये मिला एंड थर्ड रिलेशन अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, जिनको हम कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा यहाँ पे, आपने देखा यहाँ पे कि सम ऑफ द जीरोस है और जो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टू एट ए टाइम है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन की पहले आपको माइनस में मिला, फिर यहाँ पे माइनस प्लस मिला है, ठीक है, फिर हमें माइनस प्लस मिला है और फिर यहाँ पे माइनस प्लस मिला है, ओके, माइनस प्लस माइनस मिला, तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। और बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही तक देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों को बताया जाएगा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ ए पॉलीनोमियल, ओके, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ ए पॉलीनोमियल। आज के बच्चों इतना ही, लेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।